शुभमन गिल बनेंगे टीम इंडिया के फ्यूचर कप्तान पूर्व कोच ने की भविष्यवाणी शुभमन गिल को टीम इंडिया में सारे प्लेयर्स के ऊपर प्रायोरिटी दी जा रही है ये इसलिए भी क्योंकि गिल ने उस लेवल की बल्लेबाजी करके दिखाई है अगर आप गिल के 2023 से लेकर 2024 तक रन देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ताबड़तोड़ तरीके से उन्होंने रन बनाए हैं अब भारत के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने शुभमन गिल को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है श्रीधर ने बोला है कि शुभमन को टीम इंडिया जल्द ही कप्तान बना सकती है इसलिए इस वीडियो में आपको चलिए बताते हैं उनकी स्टेटमेंट मौजूदा फॉर्म और भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ और यहां तक कि वनडे मैचों में शुभमन गिल ने जो क्षमता दिखाई है मुझे लगता है कि ये दोनों टी और टेस्ट प्रारूपों में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं शुभमन गिल मेरे लिए सभी फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं और मुझे लगता है कि वो टेस्ट मैचों और वनडे में कप्तान रोहित शर्मा के साथ बेहतर होंगे मुझे यकीन है कि भारत उन्हें दो वर्ल्ड कप के बाद सभी फॉर्मेट में कप्तान के रूप में देखेगा श्रीधर ने गिल को लेकर बेसिकली ये बोला है कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी लेगेसी को गिल आगे लेकर जाएंगे टीम इंडिया ने पहले ही शुभमन गिल को एक तरह से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है गिल को श्रीलंका सीरीज से ठीक पहले टीम इंडिया का वनडे डे टी ट्वेंटी उपकप्तान बनाया गया और साथ ही बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी उन्हें उपकप्तान बनाने की रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं गिल को हाल ही में जिम्बाबे दौरे के लिए कप्तान बनाया गया था और गिल ने सीनियर प्लेयर्स की मौजूदगी में भारतीय टीम की उपकप्तानी हासिल की थी इस दौरे में उन्होंने एक युवा टीम की अगुवाई करते हुए पांच मुकाबलों की टी सीरीज में चार एक से जीत दर्ज की सलामी बल्लेबाज ने पांच पारियों में 170 रन बनाए और सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने इतना ही नहीं बल्कि शुभमन गिल आईपीएल में गुजरात टाइटंस की भी कप्तानी करते हैं जब से हार्दिक पंड्या ने गुजरात टाइटंस का साथ छोड़ा है तब से गुजरात टाइटन्स की कप्तानी शुभमन गिल करते ही नजर आ रहे हैं हालांकि ये बात अलग है कि शुभमन गिल की कप्तानी ने गुजरात टाइटन्स प्ले के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई लेकिन अभी गिल पहली बार कप्तान बने हैं तो थोड़ा सीखने में टाइम लेगा और होप सो कि शुभमन गिल आगे कप्तानी करते हुए टीम इंडिया की नजर आए बाकी आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें